गाइस, क्या हाल चाल है। तो अब घर का काम और आगे बढ़ चुका है और अभी मिट्टी डालने का काम चल रहा है, और जितना भी बाउंड्री पहले बनी हुई थी अब उस पर मिट्टी लगातार डाली जा रही है। कल यहाँ पर खुदाई हुई है, ये दिखाते हैं आपको। ये यहाँ जेसीबी से ये गड्ढा खोदा गया और यहाँ से मिट्टी निकाल कर यहाँ डाली गई है। इसके अलावा भी एक और गड्ढा खोदा गया है क्योंकि मिट्टी कम पड़ रही थी और यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा लगनी है इस घर में, और इसलिए दो गड्ढे खुदाए गए हैं। एक गड्ढा ये इधर देखेंगे, ये है, मतलब दो गड्ढे खुदाए गए हैं। इन गड्ढों का उपयोग भी हो जाएगा क्योंकि जो लेटरिंग के लिए गड्ढे बनने हैं वो यही गड्ढे इस्तेमाल हो जाएंगे, और इनकी मिट्टी से अब यहाँ पे जो मिट्टी की ज़रूरत थी वह भी पूरी हो जा रही है। और सामने देखेंगे गाइस, ये जो हमारा गार्डन था इधर वाला, इसको भी पूरा साफ कराया गया है और यहाँ पे भी बढ़िया गार्डनिंग होगी, उसके लिए जेसीबी से ही पूरा काम कराया गया है। कल रात में जेसीबी आई थी, मैं तो ऑफिस में था, भैया ने पूरा काम कराया और ये पूरी दूर तक साफ किया गया है, और इस सफाई वाले स्थान में अब अच्छे से गार्डनिंग भी की जानी है। तो गाइस, घर का इतना काम हो गया है, चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है और इस पर अब मिट्टी पूरी तरीके से बराबर कर दी जाएगी, और मिट्टी होने के बाद फिर इस पर ऊपर बीम बंधनी है, और बीम बंधने का काम भी कल या परसों शुरू होगा क्योंकि आज सिर्फ मिट्टी ही चारों तरफ इसमें फैलाई जाएगी। और मिट्टी फैलाने के लिए भी मजदूर एक आए हुए थे, वो काम कर रहे थे, घर चले गए हैं क्योंकि बहुत सुबह आए थे, और इस पूरी मिट्टी को इसमें बराबर किया जाएगा। आपको उधर भी ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमारी गिट्टी है यहाँ पर गिरी हुई है, और वो पीछे बालू है, अभी कुछ और बालू आई हुई है घर पे। तो ये हम चलते हैं बाउंड्री के इस पार आते हैं, ये आपको गड्ढा दिखाते हैं। ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है, अगर मैं भी घुस जाऊंगा इसमें तो दिखाई नहीं पड़ूंगा, इतना बड़ा गड्ढा है ये। और ये और इधर ये पूरा एरिया देखेंगे आप, ये सब जो गार्डन बनने हैं। और हालांकि पहले भी यहाँ बहुत सारे पेड़ थे लेकिन उनको काट दिया गया है और नया गार्डन पूरा डेवलप करना है, एकदम सिस्टम से, सिस्टमेटिक तरीके से। ये देखिए गाइस, ये पूरा जेसीबी से इसको बराबर कर दिया गया है इस तरफ भी, हालांकि उधर वाला हमारा गार्डन अभी बचा हुआ है। इधर ज़्यादातर बहुत नरकट वगैरह ज़्यादा उग गए थे तो उन सब की साफ़ सफाई करनी ज़रूरी थी, और साफ़ सफाई का काम पूरा हो चुका है। और अब पीछे से भी जो घर का व्यू होगा वो बहुत शानदार होगा क्योंकि जो कुछ भी पीछे था वो साफ़ कर दिया गया है, और अब घर का शानदार व्यू पीछे से भी नज़र आएगा। तो वो है दोस्तों हमारा नया जो घर बन रहा है, और जब मिट्टी की पटाई हो जाएगी तब फिर आगे का काम शुरू होगा। पाइलिंग का जो काम होना है वो कल ही शुरू होगा क्योंकि आज जो मिस्त्री है वो भी छुट्टी पर गए हुए हैं, तो आज मिट्टी बराबर करने का काम होगा। आज मिट्टी बराबर हो जाएगी तो फिर कल पाइलिंग का काम होगा। ये काम चल रहा है गाइस, तो हमारे भाई साहब हैं, तो मिस्त्री आए हुए हैं, और अब काम तेजी पकड़ेगा क्योंकि मिट्टी पट जाने के बाद फिर होगा पाइलिंग का काम, बीम बनने का काम। और अब हम लोग जा रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यानी कल तक के लिए इंतज़ार करिए एक नए वीडियो के लिए।